हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है तथा एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो दो संख्याओं की मल्टीप्लाई उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमें एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख लेते हैं 2079 और एचसीएफ दे रखा है 27 और एक नंबर दे रखा है 189। तो हमें से सेकेंड नंबर पूछा है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 9 से। 9 2 18, 9 1 9, 9 3 27, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 21, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 2 14 बचेगी 6, 7 9 63, ऐसे बचेगा 4, 7 7 49। तो सेकंड नंबर हो जाएगा 297, किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमें एलसीएम दे रखा 300, मल्टीप्लाई में एचसीएफ दे रखा है 5 और एक संख्या दे रखी है 25, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 और 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20, 20 दिया 60, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 60, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या निकालने को बोले तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटी जो कॉमन मल्टीपल है वो। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले एलसीएम निकालेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूरी तरह से भाग हो जाए, कौन वो संख्या, इन तीनों से भाग हो जाए, यानी कि वो इससे बड़ी होगी नंबर से, और नंबर से बड़ा क्या होता है एलसीएम, एचसीएफ जो है वो नंबर से छोटा होता है। इसको सोल्व करेंगे हम, जो सबसे बड़ी संख्या इसके फैक्टर बनाएंगे 120, 120 को हम लिख सकते हैं 24 5 120, तो मल्टीप्लाई 5 24 को लिख सकते हैं 8 3 24, यानी 2 × 2 × 2 8 और × 3, तो 8 3 24 24 5 120। अब देख लेंगे कि इन संख्याओं के कौन कौन से फैक्टर इनके अंदर हैं, जो फैक्टर इनके अंदर नहीं होंगे उनको और लिख लेंगे। तो 90 को सोल्व करें तो यहाँ से आएगा 45 और फिर 45 3 से जाएगा तो 15, 15 फिर 5 से जाएगा तो बचेगा 3, तो 1 3 और लिख देते हैं। उसके बाद 72, 2 से कैंसिल करेंगे तो 36, इस 2 से कैंसिल करेंगे 18, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 और 3 3 9 है इसके अंदर, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 8 8 5 40 और 40 × 9 360, तो 360 वो संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी तरह से भाग हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। या आप इसको बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते थे। तो हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एलसीएम यानी कि जो ऑप्शंस में वो छोटी संख्या होगी, तो सबसे पहले छोटा ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर 290 चेक करेंगे, तो 290 इन तीनों से भाग होना चाहिए, यहाँ पर 90 से भाग होना चाहिए, 90 यानी 9 से भाग होना चाहिए और 10 से भी, 10 से तो भाग हो जाएगा, 0 है लास्ट में। अब 9 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होती है, जिनके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए तो वो भी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, तो यहाँ पर अंकों का जोड़ बनेगा 11, 9 से भाग नहीं हो रहा, ऑप्शन सी बी देखते हैं 340, 4 और 3 7 ये भी 9 से भाग नहीं हो रहा, 360, 6 और 3 9 ये से भाग हो रहा है 9 से, आगे वाला देखिए 280, 8 और 2 10 ये भी 9 से भाग नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से भाग हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाई ऑप्शन ज़्यादा इजी रहता है। अब चलते हैं 24 पे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 से 36 से और 60 से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या बोली है तो इसे फैक्टर से आप करके देख लेना, बाई ऑप्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा ऑप्शन कौन सा, 280, इसको चेक करेंगे, यहाँ पर 36 यानी कि वो 36 से भाग होगी, 36 से भाग होगी तो कोई इसके फैक्टर से भी भाग होनी चाहिए, तो यानी कि वो 9 से भी भाग होनी चाहिए या 4 से भी भाग होनी चाहिए, तो 4 से तो हो जाएगा 20 पर जाएगा, 9 से चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10, 9 से भाग नहीं होगी, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 320, वो चेक करते हैं, 3 और 2 5, 9 से भाग नहीं हो रही है, 340, 4 3 7 9 से भाग नहीं हो रही, 360 ये 9 से भाग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा,
तो यहाँ संख्या में ऐसे फैक्टर ढूंढ लेंगे जैसे यहाँ पर हमने 9 ढूंढा है, या कोई 11 ढूंढ लेंगे, दो चार ये तो कॉमन है, इनसे तो ज़्यादातर भाग हो ही जाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको फैक्टर से भी सोल्व करके देख सकते थे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 वह 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष एक बचे। तो किससे भाग देने पर, 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग देने पर शेष एक बचे, यानी कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो वो संख्या हो जाएगी जो पूरा पूरा भाग चले जाए, लेकिन इसने बोला एक शेष बचे, तो उस एलसीएम में एक प्लस कर देंगे तो फिर अगर भाग देखेंगे तो वो एक शेष बच जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 6 के फैक्टर बनाएं तो 6 हो जाएगा 2 गुणा 3। अब 5 के कौन कौन से फैक्टर, इसके अंदर 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो 5 तो अलग से एक फैक्टर है। 4 का 1, 2 तो है, 1, 2 चाहिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। तो 60 वो संख्या जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन इसने बोला है कि शेष एक बचना चाहिए, तो इसमें एक प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 61। अब 2 से भाग करके देखेंगे तो 30 दूनी 60 बचेगा 1। 3 से भाग करके देखेंगे 30 3 गुणा 20 तो एक शेष बचेगा। 4 से भाग करेंगे 15 चौके 60 एक शेष बचेगा। 5 से भाग करेंगे 12 पंजे 60 एक शेष बचेगा। 6 दाए 60 तो एक शेष बचेगा। तो एलसीएम में एक ऐड कर देंगे फिर वो शेष बच जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 से 6 से 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। तो इनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे फिर उसमें एक ऐड कर देंगे। तो 12 के फैक्टर बनाते हैं, 12 का फैक्टर हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 9 3 गुणा 3, 8 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 इसके अंदर नहीं है, 7 लिख देते हैं, 6 इसके अंदर है, 2 3 6 2 इसके अंदर है ही, तो ये हो जाएगा 8 8 में 72 और 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 7 दूनी 49 50। तो 504 वो संख्या जो पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन इसने कंडीशन दी कि शेष एक बचना चाहिए, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो वो संख्या हो जाएगी 505। अब इनसे भाग करके देखेंगे तो शेष एक बचेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 4 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 12 उठाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 3 तो है, 1 3 चाहिए, 8 के 1 2 और चाहिए, 7 इसके अंदर नहीं है, मल्टीप्लाई, 6 इसके अंदर है, 2 3 6 4 भी है, 2 दूनी 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अभी निकाला था 504, और शेष कितना बचना चाहिए 3, तो 3 इसमें अब ऐड करना पड़ेगा, 507 वो संख्या हो जाएगी जो इनसे भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा, क्योंकि 504 तो पूरी भाग हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वह न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 8, 11 और 24 से पूरी भाग हो जाए, जिसे 8 से 11 से और 24 से भाग करें वो संख्या निकालनी है जिसमें हम 5 की वृद्धि करें उसके बाद ये पूरी भाग हो जाए, यानी कि ये एलसीएम निकालना है इसका। तो इनका एलसीएम निकाले, 24 के फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 8 दिया 24, 11 के फैक्टर नहीं बनेंगे, 11 एक अभाज्य संख्या है, 8 8 इसके अंदर है ही, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 दिया 24 24 की मल्टीप्लाई 11 से, तो 4 4 और 2 6 और फिर 2 264। तो 264 वो संख्या जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन इसने बोला है वो संख्या निकालो जिसमें 5 ऐड कर दें और फिर ये पूरी पूरी भाग चली जाए, तो यानी कि इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 माइनस करेंगे, देखो ये हो जाएगी 264, संख्या जमा 5, वो संख्या में 5 ऐड करें कि पूरी पूरी भाग हो जाए, तो 264 में से 5 माइनस करेंगे तो 259। 259 वो संख्या है जिसमें 5 की वृद्धि करें तो फिर ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 5 की वृद्धि करेंगे तो 264 हो जाएगा, 264 तो इसका एलसीएम था, तो पूरी पूरी भाग तो होनी चाहिए थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। याद रखना है एलसीएम में 5 प्लस नहीं करना, क्योंकि प्लस 5 कर देंगे तो 5 शेष बचेगा। इसने बोला है वो संख्या निकालो जिसमें 5 की वृद्धि करें तो फिर भाग हो जाए, तो 5 इसमें माइनस कर देंगे ताकि फिर प्लस करने से ये इसका एलसीएम बन जाए। क्वेश्चन नंबर 29, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 की वृद्धि करने से वह 27
35, 25 और 21 से विभाजित हो जाए। वह संख्या निकालो जिसमें 3 की वृद्धि करने से, तो सबसे पहले बड़ी संख्या है यहाँ पर 35, इसके फैक्टर बनाते हैं तो 35 हो जाएगा 5 गुणा 7, फिर 27, 27 होता है 3 के पावर 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 25, 1 5 तो एक और 5 चाहिए, 21 के लिए 7 या 21 है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 9 और 25 निम्मा 225 और गुणा 7, तो 7 5 35, इकाई के अंक से करें तो 5 आना चाहिए और फिर बोला 3 की वृद्धि, यानी कि इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इकाई अंक 2 आना चाहिए। किस ऑप्शन में इकाई अंक 2 है, तो ऑप्शन ए में इकाई अंक 2 है, 4222। और इसका एलसीएम हो जाएगा 4725, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो 4725 आएगा, तो 4725 तो वो संख्या जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन इसने बोला कि इसमें 3 की वृद्धि करें फिर भाग होना चाहिए, तो वो संख्या ये हो जाएगी, अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो फिर ये इसका एलसीएम बन जाएगा और पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 की वृद्धि करने से वह 25, 40, 50 और 15 से विभाजित हो जाए, तो जो 25 से 40 से और 50 से और 15 से विभाजित हो जाए कब, जिसमें 7 की वृद्धि करें तब, तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर 50 के फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 और 10 हो जाएगा 2 गुणा 5 और 1 5, तो 25 गुणी 50। उसके बाद 40 के फैक्टर बनाएं तो 40 हो जाएगा 8 5 40, 5 तो है और 2 भी है, तो 5 गुणी 10, 10 गुणा 4, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा रह गया 15, तो 5 गुणा 3, एक 3 और चाहिए, तो ये हो जाएगा 25, 25 गुणी 50 गुणी 100 गुणी 200, 200 तीय 600। लेकिन इसने बोला था जिसमें 7 की वृद्धि करें, तो 600 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 593। तो 593 वो संख्या है जिसमें 7 की वृद्धि करें तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा और इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। किसी स्कूल में 391 लड़के वह 323 लड़कियां हैं, इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, तो कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बॉयज हैं 391 और गर्ल्स हैं यहाँ पर 323। क्या बोला है कि इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांटना, तो जब भी हमें बराबर बराबर कोई चीज़ बांटने को बोल ले तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे बॉयज हमें दे रखे हों 12 और गर्ल्स दे रखे हों 16, तो बोले कि बराबर बराबर कक्षाओं में बांटना है, तो कितने कितने लड़के या कितने कितनी लड़कियां एक कक्षा में आएंगी और टोटल कितनी कक्षाएं बनेंगी, तो क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4 और यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा 4, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, 4 दोनों में कॉमन है तो 4 यहाँ पर हो जाएंगे बच्चे जो कक्षा में बराबर बराबर बांटे जाते हैं, तो यहाँ से कक्षा बनेंगी 3, 1, 2, 3, हर कक्षा में 4-4 लड़के होंगे, हर कक्षा में 4-4 लड़के हैं, कक्षा बनी 3, यानी कि टोटल 12 लड़के थे, यहाँ पर कितनी कक्षाएं बनेंगी 4, क्योंकि बराबर बच्चे बांटने हैं, यहाँ पर 4-4 बांटे थे तो यहाँ भी 4-4 बांटने पड़ेंगे, तो यहाँ पर कितनी कक्षाएं बनेंगी 4, तो टोटल यहाँ से क्लासेज पूछे तो हो जाएंगी 7 और बच्चे पूछे एक क्लास में तो 4 हो जाएगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो 391 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है 17 गुणा 23। अब ये 323 या तो 17 का मल्टीपल होगा कोई या 23 का मल्टीपल होगा, पहले 17 से चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 बचेगा 15 और 17 निम्न 153, तो 17 गुणा 1 19, तो यहाँ से क्या कॉमन है 17, तो 17 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो याद रखना कॉमन लेने के बाद जो हमारी रेशियो रह जाती है जैसे 23 और 19, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 17, यानी कि हर क्लास में 17 बच्चे होंगे, तो यहाँ से क्लास कितनी बनेगी 23 और यहाँ से क्लास बनेगी 19, तो टोटल इसने हमसे कक्षा पूछी है, तो 9 और 3 12, 2 और 1 3 और 1 4, तो 42 टोटल कक्षाएं बन जाएंगी, 23 बनेंगी लड़कों की, 19 बनेंगी लड़कियों की। अगर पूछता कितने बच्चे बैठेंगे एक क्लास में, तो 17 बच्चे बैठेंगे। अगर ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है 391 17 गुणा 23, तो हम जो बड़ी संख्या आ जाती है उसमें हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि से, वो और सीख लेते हैं। तो बड़ी संख्या को अंदर लिखते हैं, और बड़ी संख्या 391 थी और छोटी संख्या को इससे भाग करेंगे 323, तो ये जाएगा 1 पर 323, माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 8, यहाँ से था 8 में से 2 गया 6, अब ये बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा पहले वाला भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा, तो अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं ये कितना मल्टीपल हो सकता है,
5 6 30 और यहाँ से आएगा 34, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 पर जाते हैं, 4 8 32, ऐसे लगेगी 3, 4 6 24 और 3 27, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 5 51, यहाँ से 68 पे जाएगा, 1 पर जाएगा ये 7 और यहाँ से 1, यहाँ से आएगा 51, तो 17 3 51। जब तक कंप्लीट भाग नहीं हो जाता ऐसे भाग करना है, और जिस बात से इसे कंप्लीट भाग हो जाएगा वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा, यानी कि 17 इसका एच सी एफ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। किसी स्कूल में 621 लड़के, तो बॉयज कितने हैं 621 और गर्ल्स हैं 437, इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, तो कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका एच सी एफ निकालना पड़ेगा, एक एच सी एफ हो जाएगा भाग विधि से, एक एच सी एफ निकाल सकते हैं हम डिफरेंस से भी। अगर इनका डिफरेंस देखें तो 11 में से 4 7 गए तो 4, यहाँ पर बचेगा 1, तो 11 में से 3 गए तो 8 और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 184। अब देखें अगर ये एच सी एफ होता तो इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता, लेकिन ये संख्या तो यहाँ पर देखो विषम संख्या है दोनों, और एक सम संख्या विषम संख्या को भाग नहीं कर सकती, यानी ये इसका एच सी एफ नहीं हो सकता, कोई इसका फैक्टर इसका एच सी एफ हो सकता है। तो इसको 2 से अगर अलग करें तो 2 9 18, 2 2 4, अब भी ये सम संख्या है, तो इसको फिर से 2 से अलग कर देते हैं, 2 4 8, 2 6 12, अब भी 2 से सम संख्या है, 2 से अलग करते हैं, 2 2 4, 2 3 6, तो अब ये 23, या 23 का कोई फैक्टर, 23 का कोई फैक्टर नहीं बन सकता क्योंकि ये अभाज्य संख्या, तो यानी कि 23 इसका एच सी एफ होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो भाग विधि से निकालते हैं, 621 इसको डिवाइड करेंगे 437 से, तो ये 1 पर जाएगा, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ से बचेगा 8 और ये 1, 184, फिर 437, यहाँ से बचे था 184, तो इसको भाग करना पड़ेगा फिर 437 को इससे, तो अभी ये जाएगा 3 पर, देखें इसको तो 3 8 24, 3 2 5, तो ज़्यादा रह जाएगा, 2 पर जाना पड़ेगा, तो 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3, 17 में से 8 गए तो 9, 12 में से 6 गए तो 6 69, अब 184 को भाग करते हैं, तो ये जाएगा 2 पर, 2 9 में 18, 2 6 12 और 1 13, तो यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से 4, अब 69 पर ये जाएगा 1 पर, 46, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से 2, अब 46 इसका भाज्य बन जाएगा, 23 2 9 46, पूरा पूरा भाग हो गया, तो 23 इसका एच सी एफ हो जाएगा, यही हमने यहाँ से निकाला था। तो 621 हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई में 23 2 9 46, बचेगा यहाँ से 4 और 16, 161, 161 इसका कौन सा मल्टीप्लाई बनेगा, 7 3 21 हो सकता है, और 7 2 9, हाँ तो 7 हो जाएगा, तो 23 गुणा 27 हो जाएगा 621, और ये हो जाएगा 23 गुणा, एच सी एफ 23 है तो कोई ना कोई 23 का मल्टीपल होगा ये, तो 23 एकम 23, बचेगा यहाँ से 20 और 23 9 207, तो 23 गुणा 19 ही हो जाएगा 23। अब इसका एच सी एफ है तो हर क्लास में 23 बच्चे बैठेंगे, तो क्लास कितनी बनेगी यहाँ से 27, लड़कों की क्लास बनेगी 27, लड़कियों की क्लास कितनी बनेगी 19, हमें टोटल क्लास बतानी थी, तो ये हो जाएगा 6 2 और 1 3 और 1 4, तो 46 टोटल क्लास बन जाएंगी, 32 का ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, डिफरेंस से करके देख लेना, ज़्यादा इजी रहेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे, किसी स्कूल में 391 लड़के, तो बॉयज हैं 391 और गर्ल्स हैं 323, इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बांट दिया जाए, तो लड़कों की कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन में 31 में किया था, लेकिन उसमें मैं कुल संख्या कुल कक्षाएं पूछी थी, और यहाँ पर पूछा लड़कों की कक्षाएं, तो इसको हमने सोल्व किया था, ये था 23 गुणा 17 और ये था 17 गुणा 19, तो एच सी एफ कितना है 17, यानी कि एक कक्षा में 17 बच्चे बैठेंगे, तो यहाँ से लड़कों की कक्षाएं हो जाएंगी 23, और हमसे पूछा क्या है लड़कों की कक्षाएं पूछी, तो 23 कक्षा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, किसी स्कूल में 621 लड़के, यानी कि बॉयज हैं 621 और गर्ल्स हैं 437, इसमें हमें लड़कियों की कक्षा बतानी है, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था 32 में, उसमें टोटल कक्षाएं बताई थी, तो इसका एच सी एफ हमने अभी निकाला था, 621 क्या था, अभी ये आया था 23 गुना 27 और ये था 23 गुना 19, तो एच सी एफ यहाँ से 23, यानी कि एक कक्षा में 23 बच्चे बैठेंगे, तो लड़कों की कक्षा बन जाएंगी 27 और लड़कियों की कक्षा बनेंगी 19, हमसे पूछा लड़कियों की कक्षा, तो 19 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे,
एक व्यापारी के पास तीन तरह की शराब है। प्रथम प्रकार की शराब 403 गैलन है, द्वितीय प्रकार की शराब 527 गैलन है तथा तृतीय प्रकार की शराब 589 गैलन है। सबसे बड़े गैलन का आकार बताएं जिससे इसे बिना मिलाए पूरा पूरा मापा जा सके। तो जब भी हमें बड़े से बड़ी संख्या निकालने को बोले तो हम निकालेंगे HCF, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि बड़े से बढ़िया संख्या। तो 403, 527 और 589, तो इसका हमें HCF निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। गैलन का कार्य पूछा है तो इसका HCF निकालना है। तो HCF हम या तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं या डिफरेंस मेथड से। तो डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं, दो संख्याओं का डिफरेंस निकालें, आसपास की संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो कम रहेगा। तो 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, तो 62 इसका HCF हो सकता है। और HCF होगा तो वो इन संख्याओं को भाग करेगा। अब देखो संख्याएं हैं विषम संख्याएं, तो सम संख्या तो इनको भाग नहीं कर सकती, यानी कि ये तो इसका HCF हो नहीं सकता। तो इसमें से 2 को अलग करें तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 31। अब 31 हो सकता है इसका HCF या कोई इसका फैक्टर। अब 31 तो है अभाज्य संख्या, तो यही इसका HCF हो जाएगा 31, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चाहो तो इसको फिर भाग विधि से करके देख सकते हो, इसको भाग विधि से देख लेते हैं, आगे डिफरेंस ही करेंगे फिर सारे। तो 589 को 527 से भाग करते हैं, एक पर जाएगा 527, यहाँ से 2, यहाँ से 6, 527, तो ये जाएगा अब 5 से देखें, 5 से तो बहुत कम है, 7 छः के 42, 8 छः के 48, 9 छः के 54 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छः के 48, और 49 सही है, 8 पर चला जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 छः के 48 और 49, तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 3, और फिर 62 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका डबल तो है ये, तो 31 इसका HCF हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी एक संख्या और बाकी है तो इसको और देखेंगे। तो 403 को डिवाइड करना 31 से, तो 31 से कम 31 बचेगा, यहाँ से 9, ऊपर से 3 आएगा, तो ये 3 पर चला जाएगा, यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया। तो ये इसका 31 इसका HCF हो जाएगा, और यही हमसे बोल रहा था। तो 31 का बड़े से बड़े गैलन होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अंग्रेजी गणित और विज्ञान के पुस्तकों के तीन सेट जिनमें क्रमशः 336, 240 और 96 पुस्तकें हैं को इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो। तो ढेरों की कुल संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो, यानी कि ऊंचाई समान तभी होगी जब सभी में ढेरों में जो है बुक बराबर बराबर होंगी। तो यहाँ से हमें जब भी बराबर बराबर कुछ चीज़ दे रखी हो तो हमें HCF ही निकालना है। तो संख्या दे रखी 336, 240 और 96। अगर इसका HCF निकालें तो वो हो जाएगी हमारी पुस्तकों की संख्या, एक डेर में कितनी पुस्तकें हैं वो इसका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF निकाल लेते हैं, डिफरेंस मेथड से निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस निकालें तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 9, तो 96 इसका HCF हो सकता है अगर इन संख्या को पूरा पूरा भाग कर दें। तो इससे तो भाग कर देगा ये, और 96 को इससे भाग करके देखें, 240 को 96 से भाग करके देखें तो 0 कब आ सकती है? 5 पर, और 5 नहीं में 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये इसका HCF नहीं हो सकता। इसके टुकड़े बनाते हैं, 2 गुणा 2 चौके 8, 2 8 16, 48। अब 48 को इससे भाग करके देखें तो 96 तो पूरा भाग हो जाएगा, 48 दूनी 96, इससे देखें तो 24 दूनी 48, 2 5 10, ये पूरा भाग हो जाएगा। 336 को देखें तो ये हो जाएगा, तो इसको इकाई अंक से देखें तो ये हो सकता है 7 पर, 7 तो 8 56 होता है, 7 8 56 हंस लगे 5, 7 चौके 28 और 5 33, तो ये भी इसका पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा ऐसे 48। ऐसे समझ नहीं आए तो भाग विधि से करके देख लेना, HCF निकल कर आ जाएगा। तो HCF है 48, यानी कि एक डेढ़ में 48 पुस्तकें हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 48 गुणा, अभी हमने निकाला था कितना आया था ये इसका 48, ये निकला था 7 पर, 240 इसका हो जाएगा 5 मल्टीपल, और ये हो जाएगा 48 गुणा 2। तो एक डेर में 48 पुस्तकें हैं। इसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे ये नहीं पूछा कि कितने एक डेर में कितनी पुस्तकें होंगे, इसने पूछा कितने डेर बनेंगे। तो यहाँ से बने थे 7 डेर, यहाँ से 5 और यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 2 14, तो यानी 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में लास्ट में यही देखना कि हमसे पूछा क्या है। अगर पुस्तकें पूछता कि एक डेर में पुस्तकें कितनी होंगी तो 48 होती, और डेर पूछा है तो 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। लकड़ी के तीन लट्ठों की लंबाई 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर हैं। इन लट्ठों से बराबर लंबाई के कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो बराबर लंबाई के कुछ बराबर हमें बांटना है, तो क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। 9 मीटर, 12 और 15,
तो इनका डिफरेंस देखिए तो 3 है, तो 3 इनका एचसीएफ हो सकता है क्या, देखते हैं भाग करके। 3 3 9 312, 3 5 15 हो जाएगा, 3 इसका एचसीएफ, यानी कि 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5, तो एचसीएफ है 3। तो यहाँ पर 3 मीटर क्या हो जाएगा इसका, लट्ठे की लंबाई जो कि बराबर है। तो यहाँ से कितने टुकड़े बनेंगे, एक लट्ठे की लंबाई 3 मीटर, तो टुकड़े बनेंगे यहाँ से 3, यहाँ से बनेंगे 4 और यहाँ से बनेंगे 5, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12। इसने यही हमसे पूछा था कि टुकड़ों कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो 12 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई 12 मीटर, 20 मीटर और 32 मीटर, इन लट्ठों से बराबर लंबाई के कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो 12 मीटर, 20 मीटर और 32 मीटर के ये 3 लट्ठे हैं। क्या बोल रहा है कि बराबर लंबाई के, तो एक बराबर लंबाई का जो लकड़ी है उसका टुकड़ा निकाल लेंगे, और कैसे निकालेंगे, एचसीएफ से। तो डिफरेंस देखें तो 8 का डिफरेंस है इनमें, और देखें अगर 8 से भाग हो जाता है तो 12 तो 8 से भाग होगा नहीं, तो इसके फैक्टर बनाते हैं 2 गुणा 4। अब 4 से देखें, 4 3 12, 4 5 20, 4 8 32, तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 गुणा 5 और 4 गुणा 8, तो 4 तो लंबाई हो जाएगी उस एक लकड़ी के लट्ठे की जो सब में बराबर बटेगा। तो यहाँ से टुकड़े कितने बनेंगे, 3, यहाँ से बनेंगे 5, यहाँ से बनेंगे 8, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 8 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96,528 वह 792 को पूर्णतः विभाजित करे। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का बोले तो एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ के फुल फॉर्म में ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 96,528 और 792, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ संख्याओं से छोटा होगा, छोटा होगा तो एचसीएफ इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग करेगा। तो बाई ऑप्शन इसको कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा है ऑप्शन डी। तो 24 चेक करते हैं कि इनको पूरा पूरा भाग कर देगा, अगर ये एचसीएफ होगा तो संख्या को पूरा पूरा भाग कर देगा। तो 24 से भाग करें तो ये हो जाएगा 24 चौके 96 भाग हो जाएगा, 24 दूनी 48 बचेगा, 4 24 दूनी 48 से भी भाग हो जाएगा। यहाँ से निकालें तो 24 तिया 72 बचेगा, यहाँ से कितना 7, 24 तिया 72, तो ये भी भाग हो जाएगा, यानी कि 24 हमारा एचसीएफ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते थे ऑप्शन से, नहीं तो फिर भाग भी थे सोल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 40। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96,512 वह 768 को पूर्णतः विभाजित करे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है, और बाई ऑप्शन करना चाहें तो एचसीएफ में चेक करेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन है 32। अगर ये एचसीएफ होगा तो इन संख्या को पूरा पूरा भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 32 या 96, और इसको सोल्व करें तो 32 एकम 32, यहाँ से कितना बचेगा फिर 8 और एक 19, 192, और इसका कितना मल्टीपल हो सकता है फिर 6 के, देखें 6 दूनी 12, 6 18, 19, 6 से हो जाएगा पूरा भाग। अब इसको देखते हैं तो 32 दूनी 64, यहाँ से बचेगा 12, 128, 128 इससे भाग हो सकता है क्या, देखते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी भाग हो जाएगा, तो 32 इसका एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन सी। चाहो तो इसको भाग विधि से करके देख लेना, इसको भाग विधि से भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो 768 को भाग करना है 512 से, तो एक पर जाएगा 512, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से 5 और यहाँ से 2। अब 512 को अंदर लिखेंगे, ये 2 पर चला जाएगा, 2 पर जा सकता है, तो छः के 12, 2 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 512 पूरा भाग हो जाएगा। तो 256, तो इसका एचसीएफ हो नहीं सकता क्योंकि इससे छोटा है। तो अब 256 और 96 में देख लेंगे, तो 256 बड़ा है 96 से, भाग करके देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, 2 छः के 12, तो निम 18 और 1 19, तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 6 64। अब 96 को अंदर लिखेंगे, एक पर जाएगा 64, 2 यहाँ से बचा 3 और यहाँ से 64, 32 उन्नी 64, तो 32 इसका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर 256 आया था, अब ये इससे बड़ा है तो इससे तो भाग करके देख नहीं सकते, तो 96 को इससे भाग करके देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।